नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। इस बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा सदन में पेश कर दिया है। बिल पर चर्चा की मांग को लेकर विधानसभा में हंगामा हो रहा है। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस सत्र को लेकर राजधानी देहरादून सहित समूचे उत्तराखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। इस विधेयक को सदन में पास कराने लायक राज्य सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। देखिए, हम सब उत्तराखंड के विधायकों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, आनंद अभिभूत। ऐसा अवसर प्रभु रामलला का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूरा भारत आनंद में था। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 एक झटके में समाप्त हो जाती है, देश को खंडित कर रहा है। पूरा देश आनंद में था, हम भी आनंद में थे, लेकिन इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? समान नागरिक संहिता, जो हमारी विचारधारा का विषय है, जो सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार देता है, उसे बिल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज विधानसभा के पटल पर रखा और हम उसके साक्षी हैं। हम उसे पास कराने का एक निमित्त बन रहे हैं। इससे बड़ा आनंद का समय नहीं हो सकता। देश के संविधान निर्माताओं ने देश से तभी अपेक्षा की थी कि ये समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में उन्होंने दिशा निर्देशक तत्वों में कहा, लेकिन 75 साल लग गए। हमारी वह मुस्लिम बहनें, चार चार विवाह होते हैं, किस प्रकार का उनका उत्पीड़न होता है, उनकी कोई अनुमति नहीं जाती। साहबानों का वो केस जिसमें 40 साल की शादी के बाद, 5 बच्चों के बाद, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ 100 रुपए का गुजारा भत्ता देता है तो कांग्रेस की सरकारें संविधान में संशोधन कर सकती है। केवल किस लिए? मुस्लिम वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए। और आज तक वह तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों के लिए जिस प्रकार से ये समान नागरिक संहिता का विरोध करते रहे, आज वह विरोध समाप्त हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश के इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशन में एक देश को नई दिशा देने वाला बना है। हमारी बहनों को वसी जितनी भी संपत्ति है उसमें बराबर का हक मिलेगा, क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो इंसान नहीं है क्या? उनके जीवन की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? उन्हें वसीयत, उनके जो है जितनी भी संपत्ति है उसके अंदर बराबर के अधिकार क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों उन्हें ट्रिपल तलाक के कारण से अमानवीय व्यवहार का जो सामना करना पड़ना चाहिए? क्यों हलाला जैसी अमानवीय अनैतिक प्रवृत्तियों को वोट बैंक के नाम पर कांग्रेस के लोग बढ़ावा देते रहे? मैं आनंद के साथ पुष्कर सिंह धामी जी का आभार करता हूं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सबसे पहले, आपने देखा होगा जब वो सदन में उन्होंने प्रवेश किया तो भारत का जो संविधान है उसको लेकर के आए। उनकी मंशा ये थी कि हम ये जो संविधान है जिससे सारा देश संचालित होता है, अधिकार मिले हुए हैं, उसके तहत ही ये विधेयक लेकर के आए हैं। और जो विपक्ष है, मेरे विचार से उसको बिना बात के इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत 75 साल के बाद यहाँ से शुरू हो रही है, उत्तराखंड से, देवभूमि से, जिस धरती ने माँ गंगा को जन्म दिया है, उसी तरह से संवैधानिक क्षेत्र में भी एक अच्छी शुरुआत हो रही है। आपका अगर कोई है, कोई बिंदु है जिस पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने जो कमिटी है रंजना देसाई जी के, उसमें जो चेयरमैनशिप में बनी है, सारे विपक्षी दलों को बुलाया भी था, आप नहीं आए। क्यों नहीं आए इसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन अब विधानसभा में उस पर चर्चा करें। अगर कोई आपका औचित्यपूर्ण कोई सुझाव होगा तो उसको उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा, उसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। ये ऐतिहासिक अवसर है, देखिए आज इतिहास रच रहा है। जिस यूसीसी को लागू करने के लिए संविधान में तमाम बार प्रयास हुए, संविधान की मंशा थी कि यूसीसी लागू हो, वो आज उत्तराखंड पायनियर स्टेट बन रहा है जिसको लागू करने जा रहा है। आज बिल सदन पर आया है, 2 दिन तक चर्चा होगी और कल शाम तक संभवतः उसका पारण होगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, हम इतिहास रचने जा रहे हैं और सदन का मैं हिस्सा हूँ, इस बात का मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो सदन के पटल पर रख दिया गया है। कहीं ना कहीं तमाम सारी जो चर्चाएं थी उस पर अब विराम लगता हुआ अभी नजर आ रहा है। हमारे साथ जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस रूप में देख रहे हैं यूसीसी के ड्राफ्ट?
ऐतिहासिक निर्णय युवा मुख्यमंत्री ने जो कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था, आज वो फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। आज बेटियों का दिन है, आज बहनों का दिन है और मैं कह सकता हूँ कि बेटियों को आज 50% का अधिकार मिल रहा है। आधा आबादी माँ बहन बेटी सबको 50% का प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी, बातों में नहीं कागजों में। कानूनी ठप्पा लग जाएगा कि आज के बाद आपकी अगर बेटी होगी तो उसे 50% का अधिकार आपको देना ही होगा। मैं कहता हूँ आज बेटियों का दिन है, आज मुस्लिम बहनों का, आज मुस्लिम बेटियों को भी बराबर का अधिकार मिलने जा रहा है, आज उनका दिन है। मुझे लगता है कि लोग इस जश्न में खलल न डाले, आज बेटियों को खुश होने का वक्त है, बेटियों को जश्न मनाने का दिन है। आज हम विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम हमने बढ़ाया है जहां बेटियों को बराबर निगाह से देखा जाता है। आज हम भी ये कह सकते हैं कि हम विकसित देशों की श्रेणी में अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है और ये मोदी धामी सरकार है जहां अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है। हम मिलकर एक खूबसूरत भारत बनाएंगे, खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेंगे। विपक्ष ने सर समय मांगा है। विपक्ष तो इतने लंबे समय से समय दिया हुआ था देश की जनता ने, जिस दिन से देश का संविधान बना था उसमें ही था कि यूसीसी आना चाहिए। अब तब से अब तक मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकारें रही, विपक्ष की सरकारें रही, तो इन्होंने क्या क्या इन सरकारों में, मुझे लग रहा है इतना लंबा समय तो दे दिया था और कितना समय चाहिए। अब मुझे लग रहा है विपक्ष को भी साथ आना चाहिए और बहन बेटियों को बधाई देते हुए साथ आना चाहिए तो अच्छा होगा। हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदाब समस थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि यूसीसी को लेकर जो विपक्ष है उसे भी साथ खड़े होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। तो उत्तराखंड के लिए आज बेहद अहम दिन है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल को आज विधानसभा में पेश कर दिया है। सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, यूसीसी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल से पूरे देश में स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार यहां पर हमलावर देखा जा रहा है। तो उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन आज, यूसीसी को लेकर आज विधानसभा पटल पर आज रख दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सदन की कार्यवाही को भी यहां पर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय आज यूसीसी लेकर आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये यूसीसी को लागू करने की पहल की गई है और इसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि जो रिपोर्ट है वो पहले क्यों नहीं दिया गया, इसी को लेकर आज पूरे सदन में गहमा गहमी देखी गई है। तो ही आपको बता दें कि इस बिल के समर्थन में पूरा देश है, तो आपको बता दें कि वही उत्तराखंड के लिए बेहद ही आज खास दिन रहा। सदन की कार्यवाही को 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 बजे के बाद विपक्ष को देखना होगा कि इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है सदन में, क्योंकि यहां पर रिपोर्ट जो है वो विपक्ष को सौंप दी गई है। तो यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पहल की शुरुआत करते हुए आज उन्होंने सदन में पेश कर दिया है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि 2 बजे के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। तो हमारे साथ रविंद्र कुमार बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। लखपत बुटोला जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर जनता टीवी में। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले लखपत बुटोला जी आपके पास आते हुए, यूसीसी आज धामी सरकार ने सदन में पेश कर दिया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सवाल है कि पहले तो यूसीसी का ड्राफ्ट दिया नहीं गया पढ़ने के लिए, सीधे सीधे उसको सदन में लाने की बातें कही गई है। भाजपा जानती है कि यूसीसी के अंदर कितनी प्रॉपर्टी वो चीजें नहीं है जो यूसीसी के अंतर्गत आनी चाहिए जी। इस यूसीसी को लेकर के जिन चीजों को लेकर बातें की जा रही थी और उसके अंदर हर देश का हर नागरिक समान अधिकार, उसको समान कानून उसको मिले, लेकिन इसमें वो तमाम देश के तमाम वर्ग, तमाम लोग, तमाम जातियां, तमाम पंथों के लोगों के लिए समान अधिकार की बात नहीं कही गई है। इसमें कुछ लोगों को इससे बाहर करने का काम किया गया, पहली बात। तो यूसीसी वैसे भी मालूम भले मानी जाए, दूसरी बात में कह सकते कि यूसीसी का संपूर्ण ड्राफ्ट नहीं हो सकता। संपूर्ण ड्राफ्ट यूसीसी का था माना जाता
जब इसके अंतर्गत हमारे जितने भी चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो और आदिवासी हो, चाहे उसके अंतर्गत और भी लोग और सभी लोगों के लिए समान कानून, समान कानून की तो बात यूसीसी करता है, तो वो कहाँ है? दूसरी बात, यूसीसी इतना अच्छा है तो केंद्र में आपके पास दो तिहाई बहुमत की सरकार है, क्यों पूरे देश में वन एक नेशन एक कानून की बात नहीं की जाती है? तो उसके उसको लेके बातें की ये केवल और केवल एक कपोतला है, इसमें कुछ चेंजेस थोड़ा बहुत कर करके और उसको पेश किया जा रहा है, क्योंकि यूसीसी का ड्राफ्ट पूरी तौर से मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना मैंने उसको देखा है और जितने आपके चैनलों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से हमारे पास आया है, उसको मुझे लगता है कि जो यूसीसी का जो मतलब होना चाहिए वो भाजपा के प्रवक्ता आपसे जुड़े हुए हैं, उनको उसका पूरा फॉर्म पूछ लीजिए कि जो यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, और उसके बाद ये पूछे कि यदि वो फुल फॉर्म को फुलफिल नहीं कर रहा तो वो यूसीसी को कैसे उसको माना जाए कि यूसीसी आपने लागू कर दिया। कुछ चीजें ला करके भ्रामक तथ्य फैला करके भ्रामक चीजें कहने से यूसीसी लागू नहीं हो जाता। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस समान नागरिक संहिता की बात की जाए, समान न्याय कानून की बात की गई, वो समान नागरिक कानून जिसको आप भी देखिएगा, मैं आपसे कह सकता हूँ आप इस ग्राफ को देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा उसके अंतर्गत क्या है, उसके अंदर और उसमें क्यों कुछ लोगों को बाहर करने का काम किया गया, ये तो ये भाजपा वाले बताएंगे ना। ये चीजें ये दोहरा पर ये दोहरा चल रहा है। रविंद्र कुमार जी से प्रतिक्रिया लेते हैं, लखपत बुटोला जी। रविंद्र कुमार जी, लखपत बुटोला जी कह रहे हैं कि एक ढकोसला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बार फिर इन्होंने एक बहुत बड़े एक अच्छे कानून को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस जो पिछले काफी लंबे समय से हर बिल को, हर एक उन्नति के काम को, हर एक जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जिससे जनता का जीवन स्तर और बेहतर हो सके उसे रिजेक्ट करने का काम करता है, आज उसी की एक कड़ी है कि आज फिर उत्तराखंड में देश का पहला राज्य बनने का मौका मिला है। आज सदन के पटल पे समान नागरिक कानून रख दिया गया है और उसको रिजेक्ट करने का काम बगैर पढ़े, बगैर किसी चीजों को देखे आज फिर कांग्रेस ने कर दिया है जी। और ये कोई नई चीज नहीं है, कांग्रेस का काम है, ये कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें पांच महत्वपूर्ण भाग हैं, जितना आप समझेंगे इसमें विवाह है, तलाक है, गुजारा भत्ता है, उत्तराधिकारी का है, दत्तक ग्रहण है, अडॉप्शन है, मेंटेनेंस है, डिवोर्सी है और मैरिज है। आप समझिए कि क्या आज के युग में प्रत्येक नागरिक को समान तरीके से अधिकार उसके मिलने चाहिए या ना मिलने चाहिए? पहली बात तो कांग्रेस से ही मेरा सीधा सवाल है कि उसको मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस सरकार का ये भ्रम फैलाना चाहती है। देखिए, किसी भी धर्म को, जाति को, संप्रदाय के किसी भी अधिकारों को छीनने का काम नहीं हो रहा, अधिकार देने का काम हो रहा है। जिसे बार बार ये इस कानून को एक हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी सोच पे, इनकी मानसिकता को ये दर्शाता है कि ये कानून अधिकार देने का काम करता है, ना कि किसी के अधिकार छीनने का काम करता है। जी, लखपत बुटोला जी, लखपत बुटोला जी, रविंद्र कुमार जी को आप तो सुन ही रहे थे, लेकिन लखपत बुटोला जी, यहाँ पर दिक्कत किस बात की है? अगर आपके राज्य में अगर पहले यूसीसी लागू होता है, पूरा देश समर्थन कर रहा है, आपको समर्थन करने में आपत्ति क्यों? मैंने आपसे कहा है कि आपत्ति हमें कहा है, आपत्ति तो भाजपा की केंद्र सरकार को आपत्ति है। भाई, ये कानून इतना अच्छा है तो केंद्र सरकार यूसीसी क्यों लागू नहीं करती? हम तो करें पूरे देश में लागू करें, हम तो देश की बात करें। राज्य से शुरुआत है बुटोला जी, यहाँ पर राज्य से शुरुआत है तो आपको इसमें दिक्कत क्यों? जरूरी तो नहीं कि केंद्र सरकार ही लेकर आए, राज्य सरकार अगर इसको लेकर आती है तो आप समर्थन कीजिए। आप क्या चाहते हैं कि अच्छे कानून से पूरा देश बन के पूरे उत्तराखंड इसमें आए? पूरा देश में कि अगर मोदी जी के पास 300 से प्लस सीटें हैं और इतना अच्छा ये कानून है तो केंद्र में क्यों लागू नहीं करते? इसको पूरे देश को क्यों इसका लाभ नहीं दिया जाता है? मैं एक बात है। दूसरी बात, इन्होंने कहा ये यूसीसी का ड्राफ्ट इन्होंने, मुझे लगता है जितने मेरे संज्ञान में आया है इन्होंने पढ़ा नहीं है, इससे बहुत सारे लोगों को बाहर किया गया है। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ और इसीलिए मैंने कहा कि यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है, कुछ चीजों को लेकर आपने किया हम स्वागत करते हैं, वो चीजों को लेके आपने जो बातें कही वो हम शुरू से ही लोगों को कह रहे कि देश में एक संविधान। जी क्या कह रहे हैं जी, बताएं मैंने, आप क्या कह रहे हैं?
लखपत बुटोला जी, राज्य से अगर शुरुआत है, चलिए आपने तो, आपको ये आपकी जब सरकार थी सर, तो पहले ही कदम उठाना चाहिए था। आपकी भी तो केंद्र में सरकार रही थी, राज्य में थी, तो आपने उस पहल को तो आपने शुरुआत की नहीं। आप सुन लीजिए, ये आपने सुन लीजिए, यूसीसी को लेकर के तत्कालीन जब हमारी जब 1947 के अंदर सरकार गवर्न हुई और 1950 में संविधान का लागू हो रहा था, उस समय पंडित नेहरू और अंबेडकर जी ने इसको लेकर के कहा था कि यूसीसी लागू करना चाहिए। कहा नहीं कहा था, प्रतिरोध किसने किया था मैं पूछना चाह रहा हूँ। यही जो कह रहे यूसीसी है, लोगों ने विरोध किया था, इन्होंने लोगों ने सुन लीजिए आप, क्यों गलत चीज का समाधान यूसीसी का विरोध थोड़ी कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि यदि समान नागरिक कानून लागू किया जाना चाहिए तो कुछ लोगों को क्यों छोड़ रहे इसे बाहर, ये मैं पूछ रहा हूँ। सवाल आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, आपने एससी ओबीसी को क्यों इसे बाहर किया है, ये सवाल मेरा मुख्य है। मैं आपसे ये सवाल पूछा और सवाल नहीं समझ पा रहे मेरे सवाल में, क्या सवाल पूछना चाहते हैं इनसे ये पूछ लीजिए कि क्या उन एससी एसटी ओबीसी को इसका लाभ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए उसको उस दायरे से बाहर किया गया। सवाल तो इससे पूछा मैं आपसे, ठीक है लखपत जी, रविंद्र जी से पूछते हैं, ठीक है रविंद्र कुमार जी, इसमें लखपत बुटोला जी कह रहे हैं कि यूसीसी में एससी और एसटी को आपने बाहर कर दिया, ऐसा किया है क्या आपने, ओबीसी को बाहर कर रखा है। देखिए लखपत बटोला जी का क्या है, इनका इनकी ऐसी नियति बन चुकी है कांग्रेस की, ये सिर्फ सिवाय भरम के कुछ और नहीं है। बटोला जी अब सुन लीजिए, संविधान सभा में 9 अप्रैल 1948 को जब हिंदू कोड बिल पास हुआ था ना, तो पास करते समय रोहिणी कुमारी चौधरी ने कहा था कि उत्तराधिकारी के लिए विवाह के सांप्रदायिक कानूनों का सांप्रदायिक विधान नहीं बल्कि एक समान नागरिक कानून होना चाहिए जी। तो क्यों रखा गया उनसे अलग, जब हम उस समय ही इसको कर सकते थे। आज उस भूल को एक राज्य जो उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य इस भूल को सही करना चाह रहा है, तो आखिर किस बात का विरोध है। कांग्रेस हमेशा से देश की उन्नति का, देश के विकास का, लोगों के जीवन स्तर को और बेहतर करने का हमेशा से विरोधी रही है, और ये विरोध इनका लगातार जारी है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति हो गई है, आज ये हाशिए पे है जी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से कहा, इनका काम रिजेक्ट करना है, और ये रिजेक्ट बिलों को नहीं कर रहे, जनता इन्हें रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि जनता सब समझती है। आज की देश की जनता सारी चीजों को एनालिसिस करती है, सारी चीजों को देखती है। ये युग डिजिटल का युग है, हर व्यक्ति के पास, हर आदमी के पास सारी चीजों का फैक्ट चेक करने का साधन उनके हाथ में है। तो ऐसे समय में लखपत जी, आप जितना भ्रम फैलाएंगे कांग्रेस के लिए उतना ही घातक होगा, और ये घातक आपको जो है एक बार फिर 2024 के चुनाव में दिखाई देगा। लेकिन मैं आज जिस प्रकार से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बिल को सदन के पटल पे रखा है, और आज चैनल के माध्यम से मुझे इस प्रस्ताव को इस चर्चा में रहने का मुझे भी अवसर मिला है, इस बात का साक्षी है कि मैं अपने आप को इस गौरवान्वित पल के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस जो इतने बड़े बिल का जो पूरे देश की नजरें आज उत्तराखंड पे है, उसको हमने कहीं ना कहीं जो कहा था 2022 में, आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वो पूरा करने जा रहे हैं। और दूसरी बात एक और कहूंगा, क्यों राज्य का अधिकार नहीं है, क्यों राज्य को अपनी स्थिति को, अपने प्रदेश के जनता को को बेहतर जिंदगी, बेहतर सहूलियत देने का अधिकार नहीं है। ये बात बिल्कुल नाजायज है, संविधान ने भी अधिकार दिया है, और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही भी इसी बात की है कि हम अपने लोगों की बेहतर की सहूलियत को करने के लिए जो भी अच्छा कदम उठा सकेंगे हम करेंगे। लेकिन आज कांग्रेस फिर एक बार चूक गई, अगर ये इस बिल के विरोध में ना जाती, ना लोगों को भ्रम के जाल में उलझाती, तो मुझे लगता था आने वाला समय इन्हें एक अच्छे विपक्ष की तरह देखता, ना कि इनको इनकी विपक्ष आज की डेट में सिर्फ रिजेक्ट और भ्रम और नकारात्मक नकारात्मक बातों को करने तक की भूमिका रह गई है। ठीक है लखपत बुटोला जी, आपका प्रतिक्रिया। देखिए ये जो बार बार रिजल्ट की बात कहते हैं, देश की जनता ने 17 साल तक जिन्हें रिजल्ट किया जी, इनको हाथी की देखा कहीं इनकी सरकारें नहीं थी तो क्या इन्होंने सब चीजें छोड़ दी थी। मैं एक चीज बता रहा रविंद्र, मैंने आपसे एक चीज कही, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
मैंने दो चीज आपसे पूछी, आप इधर उधर की बातें करने के बजाय, विपक्ष और कांग्रेस को बुलाने के बजाय आप इन चीजों को लेकर सही जवाब देते तो मुझे अच्छा लगता। पहली चीज मैंने आपसे ये पूछी है कि यूसीसी इतने अच्छे है तो देश की जनता को इसको इससे बाधित क्यों किया जा रहा है, इससे बाहर किया जा रहा है। दूसरी बात मैंने आपसे ये पूछा कि उत्तराखंड के यूसीसी का जो आपने ड्राफ्ट बनाया उसके अंतर्गत जो ओबीसी आदिवासी और एससी लोगों को बाहर करने का काम क्यों किया गया है, ये तो आप बताएंगे नहीं। आप एक चीज बताए, समान नगर सहायता के अंदर समान कानून के जब संविधान समान मौके मिलने चाहे, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो आरक्षण में हो, चाहे किसी चीज में हो, उसको लेकर के आपने कुछ नहीं कहा। आप केवल और केवल लेकर के विपक्ष को गलियाने के बजाय हम आपको बताना चाह रहे हैं यूसीसी के ड्राफ्ट की जो हमारी हमें लगता है जो भ्रांति है, हमें लगता है कि जो कमियां है, जो चीजों को फोड़ा है, इन्हें करना चाहता। अगर यूसीसी की बात करें, यूसीसी की बात करते उसको लेकर इन्हें करना चाहता, तो इस पर सवाल पूछा जा रहा है तो गलियाने की बात कहाँ पे, आप उसको लेके जवाब दीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ की दस साल ड्राफ्ट है तो देश की जनता को इसे मुहरम क्यों किया जा रहा है। 10 साल आज की केंद्र में सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं और आपको लगभग लगभग देश की जनता ने 62 साल आपको नकारा है, इसका मतलब क्या है कि आपने सवाल उठाना छोड़ दिया। जो आप बार बार कहते हैं देश की जनता ने आपको नकार दिया, इससे पहले 10 साल की कांग्रेस की सरकार ने छोटा सा प्रतिक्रिया लेंगे, समय की कमी है। रविंद्र कुमार जी एक बार छोटा सा प्रतिक्रिया दीजिए, लखपत बुटोला जी का जवाब दे दीजिए एक बार। जी देखिए, ये बार बार एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इन्हें बाहर क्यों किया गया, उन्हें बाहर क्यों किया। देखिए किसी को बाहर, किसी के बाहर नहीं किया गया है, ना ही किसी के अधिकारों को छीना गया है। ये सिर्फ अधिकार दिए गए हैं। जो एक बड़ा बड़ी जो तादाद थी महिलाओं की, साथ करके के खास करके कहूं, उनको अधिकार दिया गया, पत्ती में अधिकार दिया गया है, डिवोर्स होने में अधिकार दिया गया है, विवाह की उम्र तय करने में अधिकार दिया गया है, गोद लेने में उनका अधिकार तय किया गया है। तो ये एक बड़ा अधिकार है। अगर विवाह उपरांत अगर कोई महिला तलाक लेना चाहती है या तलाक दे दिया जाता है तो उसको कितना मेंटेनेंस मिले उसे तय किया गया है। तो ये बताइए ना, इसमें कौन सा किसी की रीति रिवाजों पे या किसी की। रविंद्र कुमार जी यहाँ पर समय की बेहद कमी है सर, माफी चाहूंगी। रविंद्र कुमार जी, लखपत बुटोला जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ विनोद चौहली जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। विनोद चौहली जी, आज यूसीसी पुष्कर सिंह धामी ने सदन में पेश कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज उत्तराखंड विधानसभा में इतिहास रचा जा रहा है। जी, जो यूसीसी की मांग वर्षों से चली आ रही थी, आज उत्तराखंड विधानसभा ने पहल करके उसको सदन पर रखा है और आज और कल चर्चा होगी, संभवतः कल शाम तक उसका पारण भी होगा। जी, तो हम एक पायनियर स्टेट बने हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूसीसी को लागू कर रहे हैं। विनोद चमोली जी, लेकिन यहाँ पर तो विपक्ष लगातार हमलावर है, वो ये कह रहा है कि एससी और एसटी है जो इसमें से बाहर कर दिया गया है उनको, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, एसटी का है क्योंकि एसटी के लिए केंद्र सरकार के अलग से कानून है। जी, और धारा 342 में अनुसूचित 6 में उनके विशेष संरक्षण प्राप्त है। जी, इसलिए उनको इससे बाहर रखा गया, बाकी सब लोग इसके हिस्सा है। विनोद चमोली जी, विपक्ष एक और बात यहाँ पर कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपने पहले उनको जो रिपोर्ट थी आपने उनको पहले दिया ही नहीं, ड्राफ्ट पहले दिखाया ही नहीं और आपने सदन में पेश कर दिया, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, सदन में प्रस्तुत होने के बाद ही ड्राफ्ट दिया जाता है। ड्राफ्ट सबको मिल चुका है, कल तक पर्याप्त समय है, उसको स्टडी करें, उस पर अपना पक्ष जो रखना चाहे रखें, सदन के हिस्सा है, सदन में उनको बोलने का उतना ही अवसर मिलेगा जितना हम लोगों को मिलता है, तो उसमें कटना ही कहा है। विनोद चमोली जी, ऐसा लगता है कि आप कहीं लेट हो गए हैं? नहीं, कोई लेट नहीं हुए, हर चीज समय से हो रही है। विनोद चमोली जी, आपका बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।